नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट आई में आपका स्वागत है। मैं हूँ एकता अरोड़ा। तो आज हम पहुँचे हैं सच की खोज में, आखिर क्या है सच डेरा का। आपका नाम? मनोज मिश्रा। सर, आप कितने समय से डेरा से जुड़े हुए? 1996 में मैंने जुड़ा था। इतने लंबे समय से डेरा से जुड़े रहने का आज भी आप मानते हो डेरा को? हाँ जी, मानते हैं, मानते रहेंगे, मानते आए हैं। इसके पीछे का कारण क्या है डेरा से जुड़े? कारण ये है, जो हमारे सतगुरु जो है वो सत मौला है, सृजनहार है। क्योंकि जब से मैंने यहाँ पे जुड़ा, पहली रात राय तो उन्होंने 133 मानवता भलाई चलाते हैं, उसमें एक नशा है जो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, इससे वंचित करवाते हैं। दूसरी बात कि जो हमारे इसमें बहु बेटियाँ आते हैं, जो हमारे बहन के उम्र में है वो बहन मानते हैं, जो बेटी की उम्र में है बेटियाँ मानते हैं, जो माता की उम्र में है उनको माता मानते हैं। जो मीडिया वाले जो दिखाते हैं, जो वहाँ पे बहु बेटियाँ बरकार नहीं है, मीडिया वाले यहाँ आकर के खुद अंदर आकर के देखे, बुराइयाँ यही बढ़ी है जी। जो हम पहले जैसे हम आते थे तो 100-200 नए संगत लेके आते थे, तो उनको सच्ची शिक्षा की पाठ पढ़ाया जाता था, गुरु मंत्र दिया जाता था, तो वो नशा हमारा बढ़ रहा है। और हमारे जो सात संगत 6 करोड़ हैं वो जस के तस पड़े हुए हैं, उन पे मीडिया वाले का कोई असर नहीं पड़ेगा। इन लोगों का कहना है कि ये जो 6 करोड़ की संगत है इनकी, ये ऐसी की ऐसी जुड़ी हुई है, इन्होंने सब बुराइयां जो छोड़ी हुई हैं वो वैसे ही हैं, बट जो नए लोग बाबा राम रहीम सिंह जी जिनसे बुराइयां छुड़ाते थे वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा लॉस है हमारे देश का, इनका ये भी कहना है। बट जो मीडिया ने दिखाया था सर कि यहाँ पे गलत होता है, वो तो मीडिया वाले बिके हुए हैं। जैसे नशा माफिया हुआ तो उससे पैसे लेकर के ये खबरें अपना छाप रहे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये लोगों का सरासर उनको बेबुनियाद बताते हो, ये कह रहे हैं कि मीडिया ने जो दिखाया वो बिल्कुल ही फालतू की बातें हैं। तो